दोस्तों, आरओ एआरओ पेपर लीक मामला आपके बीच में लगातार मुद्दा हमारा ट्रेंडिंग में बना हुआ है, जो 11 फरवरी को संपन्न हुए आरओ एआरओ या कहा जाए समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी पेपर को लेकर लगातार आप जानने का प्रयास कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का लगातार जो प्रदर्शन है वो उग्र होता हुआ चला जा रहा है। कल की डेट में फाइनली अगर हम कहें तो कुछ अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर भी पहुंचकर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला फूंका और जबरदस्त के नारे लगाए। हालांकि उस वीडियो क्लिप को अभी इस वीडियो में हम दिखाने का प्रयास करेंगे। री एग्जाम की मांग अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है और अभ्यर्थियों के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सुबह 7 से 8 बजे के मध्य ही सोशल मीडिया पर आरओ एआरओ का जो पेपर था वो पूरी तरह से जो है लीक होने लगा था। ठीक है, और यहाँ देखिए आज की डेट में न्यूज़पेपर में यह मुद्दा हमारा छाया हुआ है, सीएम योगी का फूंका पुतला, और उसके नीचे देख पा रहे हैं इस पेपर लीक के पूरे मामले को मद्देनज़र देखते हुए आयोग ने भी अपनी तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया, जिसमें आयोग ने तो ये पुष्टि किया कि हमने आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम हुआ था 11 फरवरी को हमने सकुशल सम्पन्न कराया। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बीच में ही कई तरह के वीडियोस क्लिप आपके बीच से वायरल किए गए और उसकी पुष्टि की गई कि तमाम सेंटरों पर किस तरह से जो है पेपर लीक मामले को लेकर आवाजें अभ्यर्थी उठा रहे हैं, और उसी चीज को जांच करने के लिए एसटीएफ की टीम गठित की जा रही है। हालांकि इस वीडियो में अभी हम सारी चीजों का स्पष्ट कर रहे हैं, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए, इधर आपके बीच में जो आयोग ने अपने ऑफिशियल लेटर पैड में उन्होंने पुष्टि किया है, आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के संदर्भ में कतिपय समाचार पत्रों द्वारा कुछ खबरें प्रकाशित हुई हैं, उपरोक्त को दृष्टिगत रखकर आयोग ने इस पूरी परीक्षा की जांच हेतु आंतरिक समिति का गठन किया है। साथ ही आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के सारे बिंदुओं को एसटीएफ से जांच कराने का निर्णय लिया गया है, यह काफी काबिले तारीफ है। आगे यहां कहा जा रहा है, जिसके लिए शासन से अनुशंसा की गई है, जांचों परांत परीक्षा की सुचिता को दृष्टिगत रखते हुए आयोग जो है उचित निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, यहां पर आपने देख लिया आयोग ने भी जिस दिन परीक्षा आपकी 11 फरवरी को हुई थी पेपर लीक हुआ था, उसी को देखते हुए आयोग ने ऑफिशियल नोटिस निकाला कि हमने आरओ एआरओ की जो मुख्य परीक्षा है उन्हें हमने सकुशल संपन्न कराया। लेकिन उसी बीच में आपने देखा तमाम सेंटरों पर अभ्यर्थी परीक्षा ही नहीं दिए, 9:30 बजे वो गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, तब तो आयोग की जो नोटिस थी वो सही निकली, लेकिन आज ये जो नोटिस आपके बीच में आयोग ने जारी किया है, इस नोटिस की जो है काबिले तारीफ करनी होगी, क्योंकि अगर ऐसी चीजें होती हैं, कहीं से पेपर लीक का मामला मिलता है तो जाहिर सी बात एसटीएफ की टीम जो होती है उसे जानने का प्रयास करती है। हम और भी चीजों को आपको दिखाएंगे। इधर देखिए आपके बीच में यहां भी एसटीएफ से परीक्षा जांच कराने की सिफारिश, यहां भी देख लीजिए समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ 2023 के प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक के आरोपों के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस मामले की एसटीएफ से जांच कराने की सिफारिश की है। आरओ 334 और एआरओ के 77 यानी 411 पदों पर रविवार को प्रदेश में 58 जो है जिलों में 2387 केंद्रों पर आयोजित जो है परीक्षा को लेकर बवाल मचा हुआ है। आयोग के सचिव अशोक कुमार के अनुसार आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों को दृष्टिगत रखकर आयोग की इस पूरी परीक्षा की जांच कराने की आंतरिक समिति का गठन किया है। वही अपडेट्स जो मैंने इधर आपको दिखाया, सेम वही चीजें हर एक पेपर कटिंग में आई है। थोड़ा सा हम आपके बीच में और भी दिखाना चाहेंगे, देख लीजिए इधर भी अभ्यर्थी किस प्रकार से, अभी इस पूरे वीडियो क्लिप को हम आपके बीच दिखाते हैं। आरओ एआरओ का जो एग्जाम था 2016 में भी एक बार पेपर लीक हुआ था, थोड़ा सा इस अपडेट्स को भी देख लीजिए 2016 में क्या कैसे हुआ था। कहा जा रहा है 2016 में भी हुआ था प्रश्न पत्र लीक, आरओ एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बीच 2016 की घटना ताजा हो गई। आरओ एआरओ 2016 में पेपर लीक होने के कारण भर्ती पूरी होने में जो है 5 साल का समय लगा था। आरओ एआरओ 2016 की प्रारंभिक परीक्षा जो है पहली बार 27 नवंबर 2016
2016 को 21 जिलों में 827 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। तो दो पालियों में परीक्षा के लिए 385,191 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। परीक्षा के दौरान लखनऊ में एक केंद्र से व्हाट्सएप पर पेपर वायरल हो गया था। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने इस मामले में लखनऊ हजरतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस प्रकरण की जांच सीबीआईडी द्वारा सौंपी गई जांच एजेंसी पूरी होने के बाद 21 सितंबर 2018 को न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आगे कहा है, पेपर आउट होने के कोई भी ठोस साक्ष्य जो है नहीं होने की बात कही गई है। हालांकि यहां अब भी आप देख सकते हैं आयोग अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हिंदी के पेपर में कई गलतियों की भरमार है। हालांकि अब आपको मिलेगा अपने आंसर की पर जो है चैलेंज करने के लिए। फिलहाल के लिए अब हम थोड़ा सा आपको वीडियो क्लिप भी दिखाना चाहेंगे जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आपने देख लिया वीडियो क्लिप को, हमने आपके बीच में दिखाया अभ्यर्थी किस तरह से लोक सेवा आयोग पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक वीडियो में आपने खुद देखा कि अभ्यर्थी खुद ये कबूल कर रहे हैं, उनका कहना है कि कॉलेज प्रशासन खुद अपनी गलती मानने के लिए तैयार है कि हमसे गलतियां हो गई हैं। ठीक है, अब जरा सा विचार करें, अगर जिस कॉलेज को आपने ही सेंटर बनाया है, अगर उस कॉलेज ने अपनी गलती को स्वीकार किया है, तो आप किस प्रकार से कह रहे हैं कि पेपर सकुशल संपन्न हुआ। ये कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ है जो लगातार मेहनत संघर्ष करके पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी तक ऐसे वीडियोस को भेजने का प्रयास करें। ठीक है, जो इसके इसी वीडियो में एक वीडियो और पड़ा हुआ है जो अभ्यर्थी सेंटर पर भी हंगामा कर रहे हैं, आप उस वीडियो को फैलाने का प्रयास करें। यही आपका सबसे प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। और लगातार ट्विटर पर ट्विटर कैंपेन जारी है आरओ एआरओ जो है पेपर लीक मामले को लेकर, तो प्लीज आप अधिक से अधिक लोग ट्वीट करें। हालांकि जो ट्वीट हमारा है वो ट्रेंडिंग में आ चुका है, लेकिन और भी आप प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा ट्वीट हमारा होता रहे। ठीक है, तो आप लगातार जो री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, ये निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेना है, लेकिन जहां तक आपका मामला है, आप लगातार प्रयासरत रहें, संघर्ष रहें, जैसा भी होगा प्रयास करना हमारा आपका परम कर्तव्य है। जो भी होगा हम चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।